आज की खबरों के प्रायोजक हैं एमकेएस मॉडर्न इंग्लिश स्कूल नारायणपुर टाडी दरभंगा। बीते दिनों भोजपुर में पत्रकार हत्या के विरोध में फुलप्रास प्रेस क्लब के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया और पत्रकारों ने विरोध प्रकट किया। सकतपुर थाना पुलिस के द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से 3,000 रुपये का चालान बृहस्पतिवार को काटा तो वहीं शुक्रवार को आज 1,100 रुपये का चालान जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाकर काटा गया। थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान जगह जगह किया जा रहा है। दरभंगा जिला के ताडे प्रखंड स्थित महतौर पंचायत को 29 मार्च को खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया। इस दौरान प्रखंड प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में प्रखंड प्रशासन ने जनप्रतिनिधि टीम को शिकस्त दी, सभी खिलाड़ियों को मेडल और सिल से नवाजा गया और प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों को दिया गया। वहीं खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शपथ ले लिया गया। गेंद को समझ नहीं पाए, टकराने भर दिया, बॉल हुआ, बाकी का काम शॉट पर खड़ा क्लियर नहीं किया और एक लंबा हिट लगाना चाहते थे मगर बीच हुए जाने वाले या विकेट कीपर के हाथ में कोई असर कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 2 रनों पर रुका हुआ और निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का कार्य को पार किया उनकी एक और इसको सीधा हुक किया टीम की दिशा में और इस तरह से प्रखंड एकादश की टीम ने इस जीत दर्ज किया है। काफी खुशी पतन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ है अभी तक। और ये गेंद समझ नहीं पाए, जाने वाले या विकेट कीपर के हाथ में। जनता गण, सम्मानित जनप्रतिनिधि और हमारे प्रखंड प्रशासक की टीम, क्रिकेट का मैच ऐसा मैच होता है जहाँ दो टीम खेलती है तो एक टीम जरूर जीतती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मौसम पंचायत के मुखिया जानकी देवी जी को, जो इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल है जहाँ एक टीम जीतती है दूसरी टीम हारती है। आज जब पहला इनिंग खत्म हुआ था तो कोई नहीं कर रही थी कि प्रशासन की टीम इतना आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। तो ये मौथौर पंचायत के जनप्रतिनिधि की हार नहीं है, यह उनकी जीत है और उनकी हम घोषणा करेंगे और विजेता सिंह हम मुखिया जानकी देवी को ही देंगे। ये आज आगे भी है और ये जो ग्राम पंचायत मौथौर उद्यम हुआ है इसमें यहाँ के जनता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो रात भर एक करके जी तोड़ मेहनत किए हैं, इनके लिए वो ओडीएफ के
हजार आज हमारा ग्राम पंचायत लगमा उद्योग होता है। इसके बाद हमारा ग्राम पंचायत इशराजा उद्योग होता है। बता रहे आते हो कि लगमा उद्योग होने से लगमा पंचायत में 2 करोड़ रुपए की राशि सुनाए की रात नहीं आ चुका। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी ग्राम पंचायत में 2 करोड़ की राशि आ जाए तो एक लीगल नहीं बनेगा हमारा जो अच्छी होगा वो उसका पक्की हो जाएगा और हर घर में सबका जल लग जाएगा। तो ये उद्योग होने से ही संभव हो पाया है। और इस तरह के मैच हम बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम खुद एक युवा हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है इस खेल में। और मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि हमारे से ज्यादा दुगुना उत्साहित हमारे इशराजा पंचायत की जनता जनप्रतिनिधि और मुआखर पंचायत की जनता ने ज्यादा उत्साह दिखाया है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनको इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसका ग्राम पंचायत आज मुआखर ओडिया हो गया है। माथौर पंचायत के 13 वार्ड हैं। जब माथौर पंचायत को हम लोगों ने चुना था तो हमने अपने पीसी से कहा था कि तुमने गलत किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जनता इतने संयमित इतने अनुशासित हैं कि आपका ये लक्ष्य 31 मार्च से पहले ही पूरा हो जाएगा। और उनका विश्वास जनप्रतिनिधि का सहयोग आज हमें मिला और ये गर्व हो रहा है कि 31 मार्च से 2 दिन पहले 29 मार्च को ही हम माथौर पंचायत को ओडिया घोषित करने वाले हैं। ये पूरी पूरी अवसर हमारी मुखिया जानकी देवी और हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही साथ हम बता दें कि इस आयोजन में हमारे जिला परिषद सदस्य हमारे प्रमुख प्रतिनिधि विभिन्न पंचायत के मुखियागण हमारे पंचायत समिति सदस्य उनका भी भरपूर सहयोग रहा है। जहाँ भी मैच हुआ है ये लोग सुबह से पहुँचे हैं, पहुँचे नहीं पूरा उत्साह दिखाए हैं। इसी कड़ी में अब हम बारी बारी से लोगों को बुलाएंगे, दो शब्द अपने अपने तरफ से बोलेंगे। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे माथौर पंचायत के उप मुखिया जी अजय जी आइए और दो शब्द से यहाँ सम्मान के लिए आइए। आइए वो वीडियो साहब और जिला परिषद प्रमुख साहब जितना भी है सबको मेरा नम्र निवेदन। और मैं हेलो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज ओडीए हो गया, मेरा वार्ड सबसे पहले 10 नंबर 7 को ही ओडीए हो जिसका कि राशि अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया और जनता हम परेशान करता है। 2 महीना हो गया अभी तक नहीं आया। वीडियो साहब को बोले हुए थे कि 15 रोज के अंदर में आपको पेमेंट मिल जाएगा और मेरी आशा है कि जितना अच्छे से हो सके मेरे जनता को उसका लाभ मिले और इससे ज़्यादा होता है। के सहयोग से ये काम हुआ है और ये सोच ये है कि आप शौचालय बना लिए, ये बहुत अच्छी बात शौचालय बना लिए लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए। बहुत लोग रहते हैं शौचालय बन गया 12,000 रुपया मिल गया इन्हीं हो गया, ऐसी बात नहीं है। ओडीए तो ये सोच बनाइए ओडीएफ के माध्यम से हमारा जो गांव है हमारा पंचायत है हमारा मोहल्ला स्वच्छ हो और ओडीएफ ये सोच बना के अगर हम करेंगे शौचालय बनाएंगे उसको उपयोग करेंगे तभी सही मानों में हमारा पंचायत ओडीएफ होगा। ये तो एक प्रोसेस है प्रक्रिया है कि ओडीएफ हुआ लेकिन सही मानों में ओडीएफ तभी होगा जबकि हमारे पंचायत के हमारे गाँव के और हमारे आस पास के लोग एक एक आदमी शौचालय इस्तेमाल करेंगे जिसके तब ये सोच सही मानों में पूरी होगी। एक बड़ी परिवर्तन है सोच है हमारे उसको हम धन्यवाद देते हैं। ये ऐसा ही सारे पंचायत में सब आदमी मिल के अगर बनावे तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे इस पंचायत में जो हुआ है उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं और जितने आदमी मिल के बनाए हैं उस सबको भी धन्यवाद देते हैं। इसी को विचार किया a
और अभी हमारे बैठक के मुखिया पति जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि शौचालय बना लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसको यूज करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तभी जो है ये ODF का माने सही रहेगा। नहीं तो अगर हम शौचालय बना लिए हैं, ODF करवा लिए हैं और हमारी हालत पहले जैसी रही तो ये ODF होना बेकार है। इसलिए हम इस माथोर पंचायत के सभी जनता से निवेदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि वो जिस तरह से मेहनत और लगन से जो है अपने पंचायत को ODF करवा रहे हैं, उसी तरह उसके माने को, उसके मतलब को, सारी चीज को समझें और खुले में शौच ना करें, तभी जाकर के हमारा जो है ये मिशन कामयाब रहेगा और हमारे हम लोगों को सारी मतलब क्या कहते हैं परेशानियों से, बीमारियों से हम लोग दूर रहेंगे। और इससे ज्यादा क्या कहें, जैसा जो एक महादलित पंचायत है और वहाँ भी ODF हुआ है, जब यहाँ की जनता को ऐसा सोच है तो हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग भी अपने अपने पंचायत में सोच मुक्त पंचायत को ODF घोषित करें। और यहाँ की जनता से मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि ODF कराना बड़ी बात नहीं है, जैसा कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कहे और जिला में हम गए थे, जिला पदाधिकारी भी कहे थे, सोच मत शौचालय बना लेना आम बात है लेकिन उसका उपयोग करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए शौचालय तो हम लोग बना लिए, उसका उपयोग हम लोग करें। आदरणीय सभी पंचायत के मुखिया महोदय एवं आदरणीय हमारे वार्ड सदस्यगण एवं आदरणीय यहाँ के सभी जनतागण, मैं आज बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि मेरा भी पंचायत आज ODF हो गया। मैं 3 बजे सुबह में उठता था और पूरा पंचायत में घूमता था और उसमें सभी हमारे वार्ड सदस्य, हमारे जितना भी पंचायत के सदस्य थे, सब हमको सहयोग किए और इस कामयाबी को हमने हासिल किए। आज हमारा पंचायत ODF हो गया, मैं इससे बहुत खुशी हूँ। अभी कहते कहते हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि क्रिकेट के बारे में मत सोचिएगा, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पंचायत के मुखिया जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैदान की तरफ न जाए परिश्रम से बात है, तो मैं कहूंगा कि इसको असली रूप दिया हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कि मैदान क्या होता है वो आज दिखाया। मैदान खेलने के लिए होता है, उत्साहित करने के लिए होता है और इस मैदान का आज सही उपयोग हुआ है। इस तरह का कार्यक्रम ऐसे ऐसे समय पर हो तो ये बहुत बेहतर बात है। और चूंकि इन्होंने कई बार बोल दिया कि खेल में लोग जो भी दर्शक होते हैं वो प्रदर्शन के कायल होते हैं, प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, कौन जीतता है कौन हारता है ये मायने नहीं रखता, प्रदर्शन उनके लिए अच्छा होता है। और इस प्रदर्शन में हमारे जिनके हर क्रियाकलाप में हमको लगता है कि इससे पहले इससे पूर्व के जानकी देवी एवं टाटी प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे मुखिया एवं सम्मानित पंचायत सदस्य प्रखंड से आए हुए प्रखंड के अधिकारी एवं कर्मी सभी का मैं सर्वप्रथम आभार प्रदान करता हूँ। और आज कार्यक्रम में विशेष रूप से हम माथोर पंचायत के
तमाम वार्ड सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ओडीएफ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी अल्प समय में ओडीएफ का कार्य पूर्ण करना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और बतौर पंचायत के तेरह ये जो हार और जीत की खेल उसमें भागीदारी लिया है, जीत और हार तो दोनों पक्ष में हमारा ही है क्योंकि ओडीएफ हमारा ही पंचायत हुआ है, गंदगी से मुक्ति हमें ही मिली है, तो जीत तो हर हाल में हम ही गए हैं, कोई नहीं हर हाल में हम जीते हैं। और ये ओडीएफ सर्टिफिकेट जरूर आज मिलेगा, पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हर भाई हर बहन ये कसम खाए कि आज के बाद कभी हम ना खुले में शौच के लिए जाएंगे और ना ही अपने किसी भाई बहन को जाने देंगे। यदि हम खुले में शौच जाते हैं तो जाने वाला व्यक्ति ही ये शर्मिंदा होता है, हम सब शर्मिंदा होते हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। बहुत समय पहले एक बार मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर थी और और मैं चाहती हूँ सभी प्रखंड के चौदह पंचायत मैं कहना चाहती हूँ कि सभी पंचायत और शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार के लिए शौचालय का निर्माण एवं उसका उपयोग करूँगा। मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं करेगा। हम सब मिलकर